हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आप देख ही सकते हैं कि मैं काफ़ी दूर से पैदल चलते चलते यहाँ तक आके पहुँच रहा हूँ। आप देख सकते हो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उमस है और मैं बिल्कुल पसीने से तरतर हो चुका हूँ। आप मेरे पीछे बैकड्रॉप पे देख सकते हैं, काफ़ी बिल्कुल बहुत है, लंबा सड़क है और मैं थोड़ा सा आगे एक जगह पे, खास जगह पे मैं पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। और वहाँ पहुँच के आपको एक एक खास चीज़ दिखाने वाला हूँ, इसी वजह से मुझे यहाँ तक पैदल चलना पड़ रहा है। और उसके बाद पहुँच के बताता हूँ। और थोड़ी सी बारिश हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। बारिश के बाद थोड़ा सा रास्ता जो है, रोड वगैरह, अब कंडीशन से आपको पता चल रहा है। हालांकि यहाँ पे मैं बहुत 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 साल बाद आ रहा हूँ इस जगह पे। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूँ इस जगह के बारे में। ये आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कि एकदम इंटीरियर साइड में है, एक विलेज के अंदर की है। और इंटीरियर साइड में मैं आगे आपको और दिखाते हुए लेके चलने वाला हूँ। और आपको वाकई आप देखेंगे, चाहे तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल गांव का जो है, बिल्कुल इंटीरियर साइड में हूँ मैं। और जो जगह पहुंचने के बाद मैं दोबारा, दोस्तों लगभग मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको ये दिखाने वाले हूँ, आते थे मैं, मुझे पूछ पूछ के आना पड़ा कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे आपको लेके जाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखिए, ये काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो आपको अंदर से लेके चल के दिखाते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। हालांकि मैं सबको स्वागत करता हूँ एक बार। अभी ये जो है रथ यात्रा के पुण्य पावन में यहाँ पे बहुत बड़ा एक पूजा चल रहा है, आप देख सकते हैं गाँव के अंदर है। तो मैं सोचा कि आपको, मैं जाने वाला था तो आपको सोचा ये चीज़ आपको दिखाया जाए। तो अंदर चलते हैं, ले जाते हैं आपको, और आप लोग मेरे साथ चलिए, ठीक है? हाँ हाँ, अरे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। अब काफ़ी लोग यहाँ पे आप बैठे देख सकते हैं गांव के अंदर। ये देखिए सारे के सारे जो है यहाँ पे प्रसाद लेते हुए हैं। यहाँ पे बैच के बाद लोग प्रसाद ले रहे हैं। तो मैं थोड़ा और अंदर चल के आपको दिखाने वाला हूँ। मुझे थोड़ा सा अपना शूज़ उतारने हैं। शूज़ उतारने के बाद मैं आपको भी किए हुए हैं, लोग काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। और एक बाएँ साइड में आप देखेंगे सारे के प्रसाद लेते हुए, और दाएँ साइड एक परिसर पूरा आपको दिखा देता हूँ। देखिए बैठे हुए हैं और सारे बात भी कर रहे हैं। शायद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा सा किचन भी बना हुआ है। और ये बिल्कुल देसी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सारे के सारे लेडीज़ हैं, और जो बर्तन लगा ये सारे धो रहे हैं यहाँ पे। और ये जो छोटा सा किचन है, किचन के अंदर भी मैं जाके आते हैं, बाकी और भी दिखा देते हैं। ठीक है, हाँ 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 अच्छा। और ये तो मैंने अभी, हाँ, इनको एक काफ़ी दूर तक चलना होता है इनको, ठीक है? और आप देख सकते हैं जैसे जैसे वो निकल के जा रहे हैं, और उसके साथ जो बजा बजाने वाले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं, ये देखिए लोग काफ़ी उत्साहित है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और थोड़ा सा गाड़ियों को रोक के लोगों को साइड किया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं, और यहाँ तक इसके जो जाने का जो रास्ता है काफ़ी खुलने वाला है। तो नौजवान से जो बूढ़े भी हैं, सारे के सारे इस यह रथ यात्रा के पुण्य पावन पे सारे के सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और सारे के सारे देखिए आप धीरे धीरे जो है ये झांकियाँ आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इनका एक रास्ता है। हम कोशिश करेंगे बीच में भी जाने के लिए, और भी लोगों को दिखाएंगे। ये जो खास मौके पर आप सकते हैं,
नंबर आपका तय करने के बाद ये फिर दोबारा वापस आपने जगह पे आने वाले हैं जो के साथ इस चीज को मनाते हैं। देखिए और काफी उसके साथ जो है बच्चे जो है और इसके साथ जो जो अभी डांस करते हैं
ये रथ यात्रा खींचने के लिए और कितना और कितना इसको सजाया गया है। और अभी शायद यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से वापस चले जाएंगे। तो यहाँ पे 5 से 7 प्लेट है, आप देख सकते हैं रक्षा के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस का भी बंदोबस्त किया गया है ताकि ज्यादा गड़बड़ी ना हो। देखिए लोग यहाँ पे नाचते गाते कितना खुशी के साथ घूमते हुए जा रहे हैं, देखिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है गांव के अंदर तक ये जाने वाले हैं और थोड़ी देर इसको मैं सोचा कि अगर सामने से आपको दिखाऊं इस चीज़ को चिंते बात से ना तुम्हें और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग मुझे बताया गया कि आप थोड़ा सा आगे से इसको कवर करने के लिए और हम इसको दिखाएंगे थोड़ा सा और आगे से और ताकि पूरा दुनिया देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी पूरी आपको दिखाई दे रहा होगा और ये जाने वाली है पूरा अंदर तक और आप देख सकते हैं लोगों के अंदर कितना जोश है। और ये पूरा रोड को जो है जो पुलिस का भी स्क्वाड फैसिलिटी दिया रखा हुआ है और लोग देखिए कितना खुशी के साथ यहाँ पे घूमते हुए जा रहे हैं। साल में एक बार आते हैं डेफिनेटली जोश तो हमारे सबके अंदर बहुत बहुत वजन है तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए काफी लोग यहाँ पे हैं और बच्चे से बड़े हैं सारे लोग इनको आप देख सकते हैं लेके जा रहे हैं धीरे धीरे। और आप देख सकते हैं इसके पीछे कुछ आनंद के कुछ बच्चे भी आप देख सकते हैं बच्चे बैठे बोलो बोल बात बोल चल और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग कितना हर्ष उल्लास है आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं। आप देख सकते हैं आगे आगे सामने पुलिस की गाड़ी मोबाइल पे मोबाइल बार करो ये आपको एक जगह पे हर जगह पे मिल जाएगी बहुत सारे हैं एक बात ही बात है।
सामने से दिखाएंगे यहाँ पे। तो अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आज के लिए यात्रा की समाप्ति यहाँ पे है। तो यहाँ पे इनको जगन्नाथ जी को यहाँ पे स्थापन की गई है और इसके बाद पूरी रात भर यहाँ पे रहेंगे और कल सुबह से फिर से दूसरी बार के लिए यहाँ पे पूजा पाठ फिर से दोबारा शुरुआत होने वाली है। ये जो टोटल जो आप देखेंगे ये प्रक्रिया पूरा 3 दिन के लिए चलती है। ये जो यहाँ पे है इनके पूजा पाठ चलता रहेगा और उसके बाद फिर कहा बात है कि या आप 8 या 9 दिन बाद हैं ये अपने घर में वापस जाते हैं, तो उसको जिसको बोलते हैं उल्टा रथ बोलते हैं, जो वापसी रथ की वापसी होती है। तो फिर हम दोबारा उस टाइम पर फिर आपको सामने एक बार आएंगे और इसके बाद हम अभी सारे वापस चलेंगे। और एक बार सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरे साथ बने रहने के लिए और मैं इस जाने पे मेरे साथ देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर में जो ये लोग कुछ लोग यहाँ पे जो ये लोग जो ढोलक वाले हैं जो ढोलक और नगाड़े वाले हैं उन्होंने मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट किए हैं, तो उनको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए उनके साथ जो है मैं वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए हम आपके लिए थोड़ा सा वेट करिए। सो टिल द टाइम विल बी कमिंग सून। थैंक यू सो मच, जस्ट कीप वॉचिंग माई वीडियोज। इनके साथ ही है, इनका पूरा ग्रुप है, राइट? तो आप लोगों का जो ग्रुप है टोटल 6 है। अच्छा, तो अच्छा जैसे जैसे ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है आप लोग ऐसे आते हैं। मान लो कि छोटा ग्रुप होगा तो 6 में जाएंगे, तो हो सकता है कि 10, 12, 50, 20 भी हो सकते हैं, राइट? तो मतलब कि जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से आप जाते हैं, ठीक है? अच्छा, तो थोड़ी बहुत आप लोग हमारे दर्शकों को ये बताएंगे, तो आप लोग ये कितने साल से काम कर रहे हैं? कितने साल मतलब बहुत तो पचहत्तर पचन तो अच्छा, तो आप लोग ये जो काम करते हैं 5 से 6 साल के अंदर काम करते हैं, तो आप लोग अलग अलग जगह से रहते हैं कि सारे के सारे हापड़ा में रहते हैं? अच्छा, ये आसपास के ही सारे के एरिया में ही है? अच्छा अच्छा, तो ये बोलना चाह रहे की इनको लेडीज के साथ मिला की इन्होंने करीब करीब 2 से 2.5 साल हो गया इन्होंने अपना जो ये बैंड जो ग्रुप बना चुके हैं और काफी मैं देख लिया आप लोग भी देखिए काफी मेहनत लगते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ कि तहे दिल से मैं इनको शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी लेडीज है अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे इतने लोगों के सामने ये बजाना, ठीक है, अपना परिवार को छोड़ के दूर में रहना उनके साथ उनके लिए सेक्रीफाइस करना, ये वाकई बहुत काबिल तारीफ है और बहुत बड़ी बात है। अच्छे अच्छे लोग नहीं कर सकते, तो मुझे दिल से आप लोगों के साथ दुआ है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा इस काम को और अच्छे अच्छे और तरीके से कराएंगे, ठीक है? अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना अगर कोई कार्ड है तो आप मेरे दर्शकों को दिखा सकते हैं ताकि, ठीक है, अगर बंगाल में कोई भी किसी भी जगह पे कोई भी अगर मान लीजिए आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं तो अगर चाहते हैं तो आपसे कांटेक्ट करें, ठीक है? तो आप इनके कार्ड है, कार्ड को मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये कार्ड आप देख लीजिए, तो ये कार्ड है, ठीक है, और ये कार्ड जो है मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बिल्कुल बकायदा मैं दे दूंगा। इनका कोई जो भी कांटेक्ट नंबर होगा तो मैं आपका कांटेक्ट नंबर भी अपने चैनल पे दे दूंगा। अगर जो भी आप फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ यहाँ का जो लोकल है और ये लोग चाह रहे थे यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा आपको देखे होंगे लाइन पे, अब यहाँ पे यात्रा में काफ़ी ज़्यादा उधंगड़ मचाते हुए अभी एक लोग एक दूसरे से अपने सर छुपा रहे हैं, ठीक है, उसके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, आप अपना चेहरा दिखा लो दुनिया को। अच्छा, ये लोग सारे हैं और ये लोग सारे हैं बहुत खुश नजर ला रहे और सारे जानने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने इनकी ग्रुप फ़ोटो ले लिया है, तो
मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल के लिए कम से कम ये लोग एक बार हाय बोल देंगे, सब अपना हाय बोल दिया, ओके आप सब बोल दिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके थैंक यू सो मच, ठीक है, और बहुत जल्दी आप फिर दोबारा मिलेंगे कभी, तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।